खबर वाराणसी से ज्ञान व्यापी विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट पेश की कोर्ट में, उस पर दोनों पक्षों से जवाब तलब किया गया है। दोनों पक्षों को फोटो और वीडियो मिलेंगे। विष्णु जैन इस वक्त से कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। कोर्ट प्रतिदिन चलेगा, 26 से प्रतिदिन चलेगा। रेखा पाठक, रेखा जी ये बताइए कि कोर्ट में क्या हुआ और क्या आपको बताएगा? कोर्ट में बोले हैं कि 26 तारीख से सुनवाई चलेगा। एक मिनट, थोड़ा दूर से। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। विष्णु, आज सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, आज कोर्ट ने 26 तारीख को इसकी अगली सुनवाई निर्धारित की है। और जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का, कि सूट की मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड की जाए, कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पहले उसकी सुनवाई होगी। पर साथ ही साथ जो कमीशन की, जो कल मेरी कोर्ट से गुजारिश थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट पे है उस पर भी ऑब्जेक्शन मंगा लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष से और हमारे से कि जिसको कमीशन की रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शन देना है एक हफ्ते के अंदर दे दे, और जो इस केस की वीडियोग्राफी और सीडी की हमने मांग की थी वो भी कोर्ट ने कहा है ऑर्डर आज पास करेंगे, उसकी भी हमें कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या आज ही ऑर्डर उस पर आ जाएगा? जी, आज ही। हाँ, आज ही ऑर्डर। एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि पहले जो 7/11 पे जो बहस होगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस शुरू होगी जी, और क्या ये जो सुनवाई होगी 26 मई से वो रोजाना होगी? कैसे? देखिए, कोर्ट ने अभी रोजाना की बात नहीं कही है, पर क्योंकि सारे एडवोकेट्स आएंगे, हम लोग भी बाहर से आएंगे, तो कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 26, 27, 28 तीन दिन सुनवाई हो जाए, और उसके बाद 29 को संडे, उसके बाद मंडे से दोबारा सुनवाई हो जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसको डे टू डे सुनवाई करके इसका निस्तारण करें। सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब भी आएंगे हियरिंग में, तो कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी बहस पूरी करके ही जाए। तो 26 तारीख को जब बहस की शुरुआत होगी, मुस्लिम पक्ष स्टार्ट करेगा, उसके बाद हम अपना जवाब देंगे। आपने ये कहा था कि आपको साक्ष्य रखने के भी अधिकार दिए जाएंगे। जी जी, उसके लिए ही कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन मंगाया है। आज कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट का पहला आदेश था इनसे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब का, जिसमें कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शंस मंगाए गए थे, वो ऑर्डर प्रभावी है, इसलिए कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन मंगाना भी जरूरी है। ठीक है जैन साहब, ये बताएं क्या कहा है कोर्ट ने? नहीं, एक बार बिगनिंग से आप लोगों को फोटो और वीडियोस देने की बात कोर्ट ने कही है, ये आप लोगों को कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? देखिए, कोर्ट ने कहा है कि आज वो कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करेगा, तो जब कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा ट्रेजरी में चार्जेस डिपॉजिट करने के बाद, उसके हम ऑन चार्जेस, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की हमें कॉपी मिल जाएगी। कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों को अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि जो उन्होंने 7/11 प्लेस, एक ही बात मैं इसको बोल देता हूँ, 7/11 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, मेंटेनेबिलिटी, ये सब एक ही चीज़ें हैं। इस पर सुनवाई 26 तारीख से शुरू होगी। दो पॉइंट है, सुनवाई 26 तारीख से शुरू होगी। जी, 26 से शुरू। और दूसरा, मुस्लिम पक्ष को कब समय दिया? 26 को ही समय, 26 को अपनी सुनवाई करेंगे। तो आप सुन रहे थे विष्णु जैन को, मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, अब माने 26 तारीख से एक तरीके से केस नए सिरे से सुनेगा कोर्ट, पहले जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी मेंटेनेबिलिटी को लेकर, और उसके साथ ही आपत्तियां तब तक दाखिल करनी होंगी। चलिए मानवेंद्र से हम बातचीत करेंगे। आप विष्णु जैन को सुन रहे थे। 26 तारीख को अब अगली सुनवाई है ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 26 तारीख को कोर्ट इस बात पर भी सुनवाई करेगा जो मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर, और उसके साथ ही एक हफ्ते के अंदर दोनों पक्षों से आपत्तियां मंगाई गई हैं। जो कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट तलब की थी, जो सर्वे हुआ था, विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट की थी, और साथ ही दोनों पक्षों को तस्वीरें प्रोवाइड की जाएंगी, और वीडियोग्राफी जो हुई थी सर्वे के दौरान वो सारी तस्वीरें और वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे दोनों पक्षों को, और एक सप्ताह के भीतर कोई आपत्ति होती है तो उसे दाखिल करना होगा।